हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी विद भूपेंद्र। और आज हम करने वाला है क्लास थर्ड और फोर्थ का टाइम टेबल। तो दर्शकों, बाकी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब लेट्स गो। सबसे पहले हम इस टाइम टेबल में आपको समझा देते हैं। ये टाइम टेबल आपको अच्छे से ड्रॉ करके बनाना है। आप उस टाइम टेबल को आपकी दीवार पे, नहीं तो आपके रूम पे के एंट्री, नहीं तो पीछे के गेट में, नहीं तो आप आपके रूम के दरवाजे पे भी लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले, आप तो फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं हो कि आप 6-6 बजे से उठकर पढ़ाई करोगे। तो सबसे पहले आपको 7 बजे इधर उठ जाना है, ओके, वेकअप, फिर 7 बजे ड्रेसअप कर लेना है, मतलब आपकी तैयारी कर लेनी है, नहा लेना है और फिर टी पी लेनी है, ओके। फिर 7:30 बजे से मेरा ऑनलाइन क्लास, सॉरी, मेरे भाई का ऑनलाइन क्लास शुरू होता है, तो मैंने ऑनलाइन क्लास लिख दिया, नंबर वन स्टडी, ओके, ऑनलाइन क्लास लिख दिया है। तो इधर फिर वो 12 बजे तक ख़त्म होते हैं। तो होमवर्क क्लास ख़त्म हो गया 12 बजे, 7:30 से 12 बजे तक होमवर्क ख़त्म, तो डायरेक्ट होमवर्क, सॉरी, ऑनलाइन क्लास ख़त्म तो डायरेक्ट होमवर्क पे लग जाने का, ओके। होमवर्क जल्दी से कर लेना का, क्योंकि बाद में हमारी टीचर बोलनी नहीं चाहिए, ओके। तो इसके बाद 1 बजे खाना खा लेने का, फिर इसके बाद ईटिंग कर लेनी, लंच खा लेना 1 बजे, और 2 बजे तक खा लिया, फिर 2 बजे स्टडी पे बैठना, तीसरी स्टडी, और फिर डायरेक्ट 3:30 तक मतलब स्टडी ख़त्म कर लेनी। फिर बाद में आपकी सबसे पसंदीदार चीज़ आने वाली है, वो है आपकी हॉबी। यस भाई, वो हॉबी है, देखिए ये हॉबी करनी है आपको, 3 बजे से हॉबी पे लग जाना है, ओके। फिर वो 5 बजे तक, 3:30 से 5 बजे तक हॉबी कर लेनी है, ओके। फिर 5 बजे भाई सबको करना चाहिए वो चीज़ करनी है, वो है योगा। यस, योगा से आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो 5:30 तक आधा घंटे योगा करने के बाद स्टडी कर लीजिएगा आप। 5:30 को स्टडी पे बैठना, फोर्थ स्टडी हो जाएगी हमारी। फिर 6:30 तक उठ जाना, फिर अपना रूम क्लीनिंग कर लेना, क्योंकि रूम हमारे शक्रीन क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि क्लीन रूम रखा ना तो हमको स्टडी करने के लिए मोटिवेशन आता है। तो 7 बजे अपना क्लीन करके ब्रेक ले लेना, 7:30 तक आप फ़ोन देखिएगा, नहीं तो रिलैक्स कीजिएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद आपको 7:30 से 5 बजे तक स्टडी कर लेनी है जल्द, 7:30 से 8 बजे तक स्टडी कर लेनी है। फिर 8 बजे आपको डिनर खा लेना है भाई। फिर 8 बजे के बाद है 8:30 बजे तक डिनर खा लिया, 8:30 को स्टडी पे बैठ जाना, 9 बजे स्टडी ख़त्म, हमारा टाइम टेबल भी ख़त्म। तो ये आपको मैं सबसे मेन पॉइंट बताता हूँ, सबसे मेन पॉइंट इस टाइम टेबल का क्या है कि आपको जल्दी ज़्यादा लेट तक जागना भी नहीं है और ज़्यादा जल्दी उठना भी नहीं है, क्योंकि आपकी नींद पूरी अच्छी होगी तो आपको स्टडी अच्छे से होगा, ओके। आप इधर मेन पॉइंट्स पे जाते कुछ, तो ये पहला पॉइंट है टोटल स्टडी, हम दिन भर में कितनी स्टडी करते हैं, वो 6 स्टडी करते हैं। ओनली डिसिप्लिन, यस, हम ओनली डिसिप्लिन में रहेंगे, ओके। उसके बाद थर्ड डू योर हॉबी एवरी डे, टू कीप योर हॉबी गुड। तो आपकी हॉबी आप हमेशा करिए, हर दिन कीजिए, क्योंकि आपकी हॉबी बहुत मतलब और बढ़ जाएगी और अच्छे से आपको आपकी हॉबी आ सकेगी। तो इसके बाद है थर्ड पॉइंट है कंप्लीट योर होमवर्क एवरी डे। तो आपको तो वो करना ही होगा, नहीं तो सुबह उठकर मैडम की डांट खानी पड़ेगी, तो वो
भी आपको करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल दबाइए, क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त आती रहे। और गाइस आप सोच रहे होंगे ये क्या है, यस ये हेडफोन का लाइट है। ओके हेडफोन का लाइट है वो, और ये मैंने न्यू हेडफोन लिया है हमारे चैनल के लिए, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने मेरा फेस दिखा रहा हूँ। ओके हाँ, तो बस भाई इस वाली वीडियो में इतना ही। और आपको ये टाइम टेबल डेली फॉलो करना है क्योंकि आप आपकी स्टडी पे ध्यान दे सकते हैं। तो बाय गाइस, मैं अब आपको फोटो दे देता हूँ टाइम टेबल का।